हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज फॉर इनकम। इनकम आप जानते हैं ये नॉमिनल अकाउंट में फॉल करती है, यानी इनकम की जो नेचर है वो नॉमिनल होती है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, यानी डेबिट होते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट होते हैं इनकम एंड गेंस, यानी इनकम क्रेडिट होगी। बट इनकम की तीन तरह की एंट्रीज पॉसिबल हैं। देखिए, हमने इसकी तीन कैटेगरीज बनाई है आप लोगों के समझाने के पर्पज से। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, देखिए, फर्स्ट टाइप इनकम रिसीव्ड इन कैश, यानी जब इनकम है वो हमें कैश में मिल जाए, दैट इज रिसीव्ड इन कैश। तो हम इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए, एग्जांपल है रिसीव्ड रुपीज 2500 as interest in cash, यानी हमें इंटरेस्ट के 2500 रुपीज मिले हैं और कैश में मिले हैं। तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। देखिए इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। वन इज कैश अकाउंट, हमारे पास कैश आ रहा है। सेकेंड इज इंटरेस्ट अकाउंट, कैश। देखिए, आप जानते हैं कैश एक एसेट है, रियल अकाउंट है ये, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश एसेट है बेटा, रियल अकाउंट में फॉल कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसे हम डेबिट करेंगे। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, एक अकाउंट का पता चल जाए कि वो डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। लेकिन फिर भी जस्टिफाई करके देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, दैट इज आवर इनकम, और ये इनकम है हमारी। और इनकम किस कैटेगरी में फॉल करती है, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो इसलिए हम इस इनकम को, इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे, यानी हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। जर्नल का मैंने परफॉर्मा बना रखा है, इसमें जो हम जर्नल एंट्री करेंगे, हम इसमें 1, 2, 3 लेंगे क्योंकि डेट नहीं लेके चल रहे। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 2500, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट 2500। नरेशन जरूर लिखें आप लोग, यहाँ नरेशन आ जाएगी, बीइंग या फॉर रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। तो ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी, व्हेन इनकम इज रिसीव्ड इन कैश। कोई भी इनकम हो, अगर इंटरेस्ट की जगह कमीशन होता या कोई और इनकम होती तो हम उसे यहाँ क्रेडिट करते हैं, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, ये हमारी इनकम है क्योंकि ये हमें कैश में मिली है। दूसरी तरफ अब इसकी सेकंड टाइप देखिएगा, सेकंड टाइप है इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम अर्नड का मतलब देखिए क्या है, मैं आपको समझा दूं बेटा, ये वर्ड है इनकम अर्नड, यानी इनकम तो हमने अर्न कर ली, अर्न का मतलब हमारा उस पर हक हो गया। नाउ वी आर एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट इनकम, यानी वो पैसा हमने लेना ही लेना है, उस पर हमारा हक हो चुका, हम ये पैसा कमा चुके, लेकिन हमें अभी मिला नहीं है, नॉट रिसीव्ड इन कैश। तो यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट होंगे इस ट्रांजेक्शन में, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, इंटरेस्ट रुपीज 3100 earned but not yet received। Interest 3100 का earn तो हो गया, यानी interest पर हमारा हक हो चुका है, ये हमारी income हो चुकी है, but अभी तक हमें receive नहीं हुआ, यानी this is our income but receive होना बाकी है। तो याद रखिए, पहले भी आपको बताया मैंने, ये एक एसेट जनरेट हो गई हमारी, कोई भी ऐसी इनकम जो अर्न हो गई हो लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, यानी वो कब रिसीव होगी, वो हमें फ्यूचर में रिसीव होगी। तो ऐसी इनकम जो अर्न हो गई फ्यूचर में रिसीव हो गई वो हमारी एसेट बन जाती है, और उस एसेट का नाम होगा एक्रोड इंटरेस्ट अकाउंट। यानी इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट होंगे, देखिए, वन इज इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट
ये हमारी इनकम तो हो चुकी बेटा। सेकंड अकाउंट होगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट ये हमारी एसेट हो गई। जो भी पैसा फ्यूचर में मिलना हो, रिसीवेबल नेचर का हो या एक्रूड नेचर का हो, वो हमारी एसेट बन जाती है। तो देखिए इंटरेस्ट अकाउंट इनकम है और आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है, ये तो क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है एक्रूड इनकम एंड एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन जस्टिफाई करके देखते हैं कैसे क्यों। एक्रूड इंटरेस्ट की वजह से ये हमारी एक एसेट है, देखिए यानी हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। और मैंने आपको एसेट का फॉर्मूला बता रखा है, एसेट का एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, एसेट की नेचर क्या होती है बेटा, प्लस माइनस। प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज। यानी जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो, प्लस हो, तो उसे डेबिट करते हैं, और जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो, माइनस हो, तो उसे क्रेडिट करते हैं। यानी जो इंटरेस्ट हमारा अर्न तो हो गया लेकिन हमें मिला नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट, वो हमारी एसेट बन गई, यानी इंक्रीज इन एसेट, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। यानी यहाँ लिख भी सकते हैं इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि हमारी एसेट में इंक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड। दो अलग अलग अकाउंट हो गए बेटा, समझना। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, एक्रूड इंटरेस्ट ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। समझिए इंटरेस्ट अलग है, एक्रूड इंटरेस्ट अलग है। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परफॉर्मे में देखिएगा, एंट्री नंबर टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 3100, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट 3100। इसकी भी वैसे ही नरेशन जरूर लिखी जाएगी, Being interest earned but not yet received। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या है, उससे पहले दोनों ट्रांजेक्शन देख लो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी बेटा कि जो इनकम है वो हमें कैश में मिल गई। सेकेंड टाइप था कि इनकम हमने अर्न तो की लेकिन हमें कैश में नहीं मिली। थर्ड टाइप इन दोनों से रिवर्स है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी इनकम का पैसा हमें एडवांस में मिल गया। एडवांस का मतलब क्या है, टाइम से पहले, उसको हमने अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है। कहने का मतलब वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट इनकम, यानी उस इनकम पे लीगली अकाउंटिंग के हिसाब से हमारा हक नहीं हुआ, हमें एडवांस में मिल गई वो। तो इसीलिए ये हो गई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसे हम अनअर्नड इनकम भी बोलते हैं। अनअर्नड, अनअर्न यानी जो अभी अर्न नहीं हुई लेकिन मिल गई हमें। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, देखिए इसको एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर थ्री रिसीव्ड कमीशन रुपीस 4100 इन एडवांस। कमीशन के 4100 यानी इनकम हमें एडवांस में मिल गई, रिसीव्ड इन एडवांस। और याद रखिए कोई भी चीज़ जो हमें एडवांस में मिले उससे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लाइबिलिटी यानी इस इनकम के लिए हमें अभी काम करना होगा, वो काम कब करना होगा, नेक्स्ट ईयर काम करना होगा। तो इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट हैं, देखिए बेटा इस ट्रांजेक्शन में एक तो हमें कैश मिल गया, कैश अकाउंट। कैश क्यों मिल गया, देखिए लिखा हुआ है रिसीव्ड कमीशन, यानी मिल गया कैश में कितना 4100। दूसरा ये एडवांस में मिला है तो हम इसे लिखेंगे अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। अब देखिए कैश तो हमें रिसीव हुआ, रियल अकाउंट है, और ये रिसीव हुआ है रिसीव्ड, इसलिए इसको तो डेबिट करेंगे। यानी कैश का फंडा तो क्लियर है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, इसे हालांकि क्रेडिट करना है क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो गया तो ये क्रेडिट होगा, लेकिन इसको जस्टिफाई करके देखते हैं। जस्टिफाई कैसे, अनअर्न यानी ये अर्न नहीं हुआ था और हमें मिल गया, इसलिए हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई बेटा। लाइबिलिटी इंक्रीज,
और लाइबिलिटी का रूल देखिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, लाइबिलिटी का रूल है प्लस यानी इंक्रीज, माइनस यानी डिक्रीज। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी इसे क्रेडिट करते हैं और जब भी डिक्रीज होगी इसे डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। और यहाँ तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बेटा, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए, और एक चीज और, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट एसेट है हमारी, दोबारा सुन लीजिए। अनअर्नड कमीशन, अगर आप ये पूछना चाहें कि ये कौन सा अकाउंट है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यानी किसी पर्सन से हमें एडवांस में ये पैसा मिल रहा है। लाइबिलिटी है ये हमारी, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो इसे क्रेडिट करते हैं। चलिए जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। जर्नल एंट्री हमारी हो गई, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 4100 टू अनअर्नड कमीशन अकाउंट। इसकी भी नरेशन निकलाना भूलें बेटा, बीइंग रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस। तो इस तरह से हमने इनकम के ये 3 केसेस किए हैं कि जब इनकम हमें कैश में मिल जाए, जब इनकम अर्न तो हो लेकिन हमें कैश में ना मिले, जब इनकम हमें एडवांस में मिले। जो इनकम अर्न हो जाए लेकिन कैश में ना मिले इसे बोलते हैं एक्रूवर्ड इनकम, और जो एडवांस में मिल जाए उसे बोलते हैं अनअर्नड इनकम। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इट वॉज ऑल अबाउट केसेज ऑफ इनकम फॉर जर्नल एंट्रीज़।